अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इट्स मी असलम पुलरवान। यू आर वाचिंग शोबीज वाइन। आज मैं पहुंचा हूं एवरन्यू स्टूडियो और आज मुझे पता चला है कि हमारे एक दोस्त कनाडा से आए हैं, जो भी किसी भी तारफ के मोहताज नहीं, कॉमेडियन भी हैं, टीवी फिल्म एक्टर हैं। मेरी मुराद, मैं जब आपसे मिलवाऊंगा तो आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा। तो चलते हैं उनके पास एवरन्यू स्टूडियो में, उनसे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू करते हैं, उनसे गपशप करते हैं कैजुअली, ज़रा हट के। तो आइए मेरे साथ, आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर उज़ैर खां की तरफ। जी उज़ैर भाई। जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उज़ैर खान फ्रॉम कनाडा, हॉलीवुड बॉलीवुड एक्टर and Hollywood too, and it's my great opportunity. I am working in Pakistan right now, and here I am shooting Avenue Studio. यहाँ से मैंने बचपन से ये आगाज़ किया था, मैंने बहुत काम किया पाकिस्तान में, और आज मेरी खुशनसीबी है कि मैं दोबारा इधर ही काम कर रहा हूँ और एक सेट पर हम आए हैं। आई डोंट वॉन्ट टू टेल कि कौन सी स्टोरी है, किसका सेट है, लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि आज मैं होस्ट भी खुद हूँ और सवाल भी खुद करूंगा, क्योंकि कैमरे के पीछे हमारे असलम पुलवान साहब, जो मेरे उस्ताद भी हैं, मेरे गुरु भी हैं, जिन्होंने बहुत मेरी हेल्प की शोबिज़ में आने के, और एक अच्छे भाई हैं। असलम पुलवान साहब के को मैं अगर देखा जाए तो मैं 20-25 साल से जानता हूं, और उन्होंने लंडा बाज़ार किया, खलील रहमान कमर्शियल दरार किया, मैंने भी किया उनके साथ, बहुत से काम किए। फिर उनका एक मैंने एक बड़ा फ़नी सिटकॉम भी किया, और बड़े अरसे बाद आज मेरी उनसे मुलाकात हुई, और कैमरे के पीछे नाज़रीन वो हैं। और आज मैं कुछ अपनी ज़िंदगी के बारे में आपको बताना चाहूँगा, और असलम भाई मुझसे पूछेंगे और मैं उनके जवाब दूँगा। उज़ैर भाई, मैं सबसे पहले आपसे यही सवाल करूँगा कि आजकल का जो दौर चल रहा है, मैं वो टिपिकल क्वेश्चन नहीं करूँगा। हमें पता चला है, हमें बड़े बावसूख ज़राए से, कि आपने कोई हॉलीवुड की पिक्चर की है जी, उसके जी, हवाले से आप हमें बताएं। शोबीज़ वाइन में हमारे जो दोस्त हैं, इट्स अ यूट्यूब चैनल, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, तो शोबीज़ इन वाइन के जो फ्रेंड्स हैं उनके लिए आप बताएं कि आपने वो कौन सी फिल्म की है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, मैं शोबीज़ वाइन का बहुत शुक्रगुजार हूँ, और नाज़रीन इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आपको इधर बहुत से मुनफरद वीडियो मिलते हैं, और मैं ख़ुद इसका बहुत बड़ा सब्सक्राइबर हूँ। सबसे पहली बात यह है कि मैं कनाडा में था, तो ऑटवा में मैं था, तो वहाँ पे ऑडिशंस चल रहे थे एक एजेंसी में, तो मैं बड़ा माइनर सा रोल लेने गया था कि अगर मुझे हॉलीवुड मूवी में कोई एक्स्ट्रा रोल ही मिल जाए तो मैं वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन ऑडिशन दिया, और मेरी खुशनसीबी, मेरे पाकिस्तान की खुशनसीबी कि मुझे एक वहाँ पर एज अ विलन का मेन हॉलीवुड में काम मिल गया, और उस फिल्म का नाम है पेंटेड शार्क्स, और अभी मैं उसकी शूट मुकम्मल करके पाकिस्तान आया हूँ, और बहुत जल्द वो आपके सिनेमाओं में वो लगेगी और आप देखेंगे और उसको लाइक करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि ब्रायन डिटिस जो उसके डायरेक्टर हैं, जब उन्होंने ही रॉट द स्टोरी एंड ही गॉट द अवार्ड राइट अवे, तो उस स्क्रिप्ट को, वो स्क्रिप्ट जो है उसको अवार्ड मिला हुआ, और ये टाइटैनिक के असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, अवतार के असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, अब इन्होंने पहली बार अपनी मूवी बनाई है जिसका नाम है पेंटेड शार्क्स, और उसमें मैं एज ए रेवन का रोल कर रहा हूँ, और मेरा करेक्टर नेम रेवन है उसमें, और मैं उसमें एज अ विलन का रोल कर रहा हूँ। अच्छा, ये तो हो गया हॉलीवुड से रिलेटेड। एक आपकी स्टोरी है, मैंने ऐसे ही चलते ही चलते मुझे पता चला है, वो भी हमें ज़ाहिर है जर्नलिस्ट है तो पता चल जाता है, कि एक आपकी बड़ी साइको सी स्टोरी है जिसमें एक ही कैरेक्टर है और वो मर्डर कर देता है। जी जी जी, वो उसके हवाले से थोड़ा सा बताएंगे हम। वो सर मैंने वहाँ पे 3 साल पहले थिएटर किया था कनाडा में, और उसको मैंने खुद लिखा था इंग्लिश में, उसका नाम था कॉमेडियन। वो एक कॉमेडियन की कहानी है कि उसने एक कोठरी के अंदर अपने आप को बंद किया हुआ है, उसने 5 प्रोड्यूसर्स का कत्ल किया है, और 6वें प्रोड्यूसर का कत्ल उसने भी करना है, लेकिन उसके बाप ने उसको एक कोठरी में बंद कर दिया, और वहीं पर वो एक्टिंग कर रहा है। उसने कत्ल क्यों किए हैं, वो इस वजह से किए हैं कि उसको चांस नहीं मिला, लोगों ने उसके साथ बहुत हार्ड टाइम उनको दिया, जिसकी वजह से उन्हें प्रोड्यूसर के कहते, एक प्रोड्यूसर रह गया जो खुद उसको मिलने आता है। लेकिन आगे अब स्टोरी क्या है वो आप खुद फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा। इसके जो डायरेक्टर हैं वो अकील अब्बास हैं, कास्ट में मेरे साथ मैंने न्यू कमर कास्ट लिया, दे आर वेरी टैलेंटेड
अदील अहमद, आदिल और शहबाज एनी खान, बहुत से ऐसी कास्ट है, ये सारे लोग उसमें काम कर रहे हैं और बड़ा मुझे मज़ा आया। और अकील अब्बास ने उसको बड़ा अच्छा किया, और हमारे साथ उसमें कैमरा मैन अकरम भाई थे और रिजवी साहब थे, और जिन्होंने बड़ी मुझे मदद दी और मुझे बारी वो लोकेशंस बताई। आसिम जमील साहब भी उसमें, तो बड़ा मज़ा आया। आप फिल्म देखेंगे तो पता चलेगा। तो आजकल आप किस सिलसिले में पाकिस्तान आए हुए हैं, छुट्टियां हैं या लाइक कुछ बताएंगे? नहीं, मैं वहाँ पे कोविड की वजह से ना बहुत ज़्यादा ना एग्जॉस्ट हो गया था, तो फिर मैं जब भी टिकट कराता था तो कोई ना कोई कोविड की चीज़ आ जाती थी, कुछ ऐसा हो गया, कुछ वैसा हो गया, तो फिर मैंने जब मुझे टिकट मिली तो मैं भाग के गर्मियों में ही आ गया, और इंशाल्लाह यहाँ पे काम करने आया हूँ। अलमरा में मैं एक न्यू टैलेंट शो लेके आ रहा हूँ ईद पे इंशाल्लाह, और जिसकी सारी जो हेल्प करेंगे इंशाल्लाह ऑफ कोर्स असलम भाई होंगे मेरे साथ। और दूसरा मैं यूट्यूब के लिए कुछ कर रहा हूँ, मेरी फ़नी शॉर्ट स्टोरी है विद उज़ैर खान, आप उसको भी देखिए, आपका दिल चाहे तो सब्सक्राइब कीजिए, नहीं चाहे तो मत कीजिए। और मैं बेसिकली यहाँ पे आया हूँ कि जिस जगह से मैं एज अ न्यू टैलेंट चला था, मैं ज़्यादा न्यू टैलेंट के साथ प्रोडक्शंस करता हूँ ताकि वो भी कुछ कर सकें, और बहुत से काम इंशाल्लाह अल्लाह विल लेट यू नो कि मैं कहाँ हूँ और कहाँ खड़ा हूँ। अच्छा, नए आने वाले जो कुछ दोस्त हैं, आप उनके हवाले से क्या कहेंगे? नए आने वाले लोगों में ना थोड़ी सी ये प्रॉब्लम है कि वो एक्टर क्यों नहीं बन पा रहे, उसका मसला ये है कि वो सलमान खान के फ़ैन है, वो शाहरुख खान के फ़ैन है, वो इन लोगों के फ़ैन है। एक साहब से मैंने पूछा, फरदौस जमाल साहब को जानते हो, कहते हैं वो डायरेक्टर जो हैं, तो मेरी हंसी निकल गई। तो मुझे अफसोस हुआ कि हमारे पाकिस्तान में यूट्यूब है और इतने पुराने ड्रामे हैं, सीखता कोई नहीं है, और हर बंदे को एक्टर बनने का शौक है। इसी लिए फरदौस जमाल दोबारा नहीं आ रहा, कवि खान दोबारा नहीं आ रहा, ये लोग दोबारा उनकी शक्ल में, मेरा मतलब है कि और कोई आगे नहीं बढ़ रहा, और सीनियर्स की रिस्पेक्ट नहीं है, सीनियर जूनियर से प्यार नहीं कर रहे, बहुत से यहाँ पे चुंगम्स चल रही हैं। तो मैं जूनियर आर्टिस्ट को ये कहूँगा कि होमवर्क करके आएँ, कैमरे के आगे आने का शौक़ सबको है, यहाँ के मौलवी को भी है, लेकिन वो होमवर्क करके आते हैं तो वो हिट होते हैं। अदरवाइज़ आप वही एक मिसाल है कि पानी का प्याला भरा हुआ है और साथ में छोटा गिलास है, तो छोटे गिलास को कोई नहीं देखता, हमेशा भरे पानी के प्याले को देखते हैं, तो होमवर्क करके आए। अच्छा, हमारे शोबीज़ वाइन के जो फैंस हैं उनके लिए आप कोई, क्योंकि आपका ताल्लुक तंज़ व मज़ाह से है, तो उनके लिए कुछ सुनाएंगे हमें अपने व्यूवर्स के लिए? जी, मैं सुनील शेट्टी साहब का एक डायलॉग सुनाता हूँ उनकी आवाज़ में। दिलवाले तो बात देखें लेकिन जो प्यार में पागल हो जाएं, ऐसे दिलवाले को आज पहली बार देगा। तू सपना से बहुत प्यार करता है ना, इसलिए तुझे हर आवाज़ से अपना की लगती है। थैंक यू। असलम के चैनल को सब्सक्राइब करना, नहीं करोगे तो अन्ना 24 घंटे चौकन्ना। थैंक यू वेरी मच। जी तो व्यूवर्स, ये था आज का हमारा एक्सक्लूसिव प्रोग्राम। आई होप सो कि आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हमारे चैनल शोबीज़ वाइन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन का बटन जो है उसे प्रेस ज़रूर कीजिएगा। अपने होस्ट असलम फुलरवान को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं किसी शोबीज़ पर्सनैलिटी के साथ। अल्लाह हाफिज़।